उस खुशी में, उस महिमा की लहर के अंदर हम बहते रहें, प्रभु के निष्ठा पे एक निर्भय और निश्चिंत जीवन जीते रहें। बाकी सब कुछ हो सकता है, लेकिन जिसकी 10 इंद्रियां, 4 अंतःकरण अखंडित प्रभु में रहते हो, ऐसे संतों का जोग मिलना वो सबसे बड़ा दुर्लभ है। वो प्रभु ने आसान करा, वो जोग हम खोए नहीं। ये प्रभु को जो हम पाए हुए हैं वो हम भूले नहीं। इनकी गरिमा हम कई बार हमारी कॉन्शियसनेस में भूल जाते हैं। इसलिए काका जी बोलते थे, गरीब होके प्रभु को संभाल रखना। गरीब याने अकिंचन होने की बात नहीं है, लेकिन स्वभाव से हम गरीब हो करके, और गरीब हम तभी माने जाएंगे, जैसे कि मैंने पटेल साहब को बोला कि स्वामी तो हमें पसंद आ जाते हैं, क्यों कि हम जो कहें वो करते हैं, उसके बजाय वो जो कहें वो हम करें, जिससे कि हमारे जीवन में परिवर्तन आ रहे। कहीं बात करते हैं कि भाई इतने टाइम से हम सत्संग करते हैं, हमें तो अपने आप में कोई चेंज दिखाई नहीं पड़ता। ये भी एक कंप्लेन आती है कि भाई आप बातें बड़ी बड़ी कर जाते हो, हम सुनते भी हैं और तब एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसे ऐसे चेंज हमारे अंदर आएगा, लेकिन यहाँ तो इतने साल गुजर गए, नॉट आयोटा ऑफ द चेंज इज फाउंड। लेकिन वो चेंज तभी आएगा जब वो साधु कहें वो हम करने लग जाए। वो जीवन परिवर्तन का, कल्याण का जो राह सहजान स्वामी ने खोला हुआ है, उस पर चल के हम सदा सुखी होवे, इतनी प्रार्थना।